हेलो एवरीवन, ये कार्बोनिल केमिस्ट्री का पार्ट 3 है। चैप्टर नंबर 6 क्लेडन का चल रहा है, उसका भी पार्ट 3 है। लास्ट वाले वीडियो में हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में पढ़ा था थोड़ा सा। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट्स। तो ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन हम पढ़ेंगे। ये चीज हमें पता है कि अगर कार्बन किसी मेटल के साथ जुड़ा होता है तो कार्बन पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज होता है, मेटल पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होता है। कार्बन एज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप काम करता है, ठीक है। इसी तरह से जैसे मिथाइल लिथियम है, तो यहाँ पे मिथाइल पे क्या है, स्लाइट नेगेटिव, लिथियम पे क्या है, स्लाइट पॉजिटिव। अगर यहाँ पे अटैक होता है तो ये बॉन्ड ब्रेक होके किसके थ्रू अटैक करता है, मिथाइल के थ्रू अटैक करता है। ये चीज ध्यान रखनी है। तो चलते हैं, देखो, सपोज हमारे पास ये कार्बोनिल कंपाउंड है, कोई एल्डिहाइड है हमारे पास, एल्डिहाइड के साथ हम रिएक्शन कराते हैं मिथाइल लिथियम की, ठीक है। अच्छा देखो, ये मिथाइल लिथियम THF में डाल के लिखा, लेकिन नॉर्मली जो मिथाइल लिथियम होता है ये ईथर के साथ कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में कमर्शियली अवेलेबल होता है, ठीक है। तो इसमें THF भी यूज कर सकते हैं सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्वेंट यूज करना है ये कंडीशंस पे डिपेंड करता है। जैसे ईथर को आप बहुत ज़्यादा गर्म नहीं कर सकते, ठीक है, THF को थोड़ा ज़्यादा हीट कर सकते हो आप, तो इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज, उसके बाद हमने यहाँ पे वाटर ऐड कर दिया, तो यहाँ पे क्या बनता है, देखो ये जो मिथाइल है ये यहाँ कार्बोनिल पे अटैक करता है और यहाँ कार्बोनिल पे ऐड हो जाता है और यहाँ पे बन जाता है OH। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या, देखो सबसे पहले तो क्या होगा, जो हमारे पास एल्डिहाइड मॉलिक्यूल था इसके ऊपर ये जो मिथाइल लिथियम था ये अटैक करेगा। ये हमारे पास मिथाइल लिथियम था, तो हमें पता है कि ये स्लाइट नेगेटिव होता है, ये स्लाइट पॉजिटिव होता है। ये बॉन्ड ब्रेक होके मिथाइल के थ्रू जुड़ जाता है इस कार्बन एटम से। जैसे ही इस कार्बन एटम से ये बॉन्ड जुड़ता है, कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाते हैं, तो इस बॉन्ड को तोड़ के कार्बन दे देता है ऑक्सीजन को। तो देखो क्या बनता है फिर हमारे पास, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे कौन जुड़ गया है, मिथाइल, और यहाँ पे क्या आ गया है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमने ऐड किया है वाटर। ये पहला स्टेप रिएक्शन का हो चुका है, एडिशन हो चुकी है मिथाइल की कार्बोनिल कंपाउंड पे। अगर नेक्स्ट स्टेप में हमने वाटर ऐड किया है तो ये वाटर पे क्या करेगा, अटैक करेगा और यहाँ से H पॉजिटिव को निकाल लेगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा फिर, ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। अब इस रिएक्शन में ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि जितने भी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वाटर में। ऑर्गेनोमेटलिक आर डिस्ट्रॉयड बाय वाटर, वाटर इनको डिस्ट्रॉय कर देता है। कैसे, ये बेसिक होते हैं ऑर्गेनोमेटलिक आर बेसिक। देखो जैसे मैंने ये लिखा है मिथाइल लिथियम, तो अगर इसके साथ वाटर हम ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, ये जो बॉन्ड है ये मिथाइल के थ्रू अटैक कर देता हाइड्रोजन पे और ये OH निकल जाता है, तो क्या बनता है, देखो और यहाँ पे बन जाता है LiOH, ये हमारे पास बन जाता है। तो जो भी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होते हैं बेसिक होते हैं, वो सारे वाटर पे अटैक कर देते हैं। तो ये जो पहला स्टेप है ये कम्प्लीटली ड्राई स्टेप होना चाहिए, यहाँ पे वाटर नहीं होना चाहिए। तो ये जो मिथाइल लिथियम और THF ऐड किया है, देखो यहाँ पे 1 लिखा है और यहाँ पे 2 लिखा है। इस 1 और 2 का मतलब होता है कि पहले जब ये स्टेप कंप्लीट हो चुका है हमारी रिएक्शन का, उसके बाद हमने ये सेकेंड स्टेप वाला रिएजेंट ऐड किया है। जब मिथाइल लिथियम ने कम्प्लीटली रिएक्शन कर ली थी इस कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, उसके बाद हमने वाटर ऐड किया है। अगर पहले वाटर ऐड कर देंगे तो ये इसके साथ रिएक्शन करके ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे 1 और 2 लिखा जाता है। इसका मतलब होता है स्टेप 1, इसका मतलब होता है स्टेप 2। तो देखो ये समझ आया, और एग्जांपल देखो। अब ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, देखो
एक तो ये हमने पढ़ा है RLI होता है, इसमें कौन अटैक करता है, इसमें R नेगेटिव अटैक करता है। इसी तरह से अगर RMGX है हमारे पास, इसमें कौन अटैक करता है, R नेगेटिव अटैक करता है। यहाँ पे मैं रिएजेंट लिख रहा हूँ और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लिख रहा हूँ, न्यूक्लियोफाइल कौन सा अटैक करता है, RLI में R नेगेटिव करता है, RMGX में R नेगेटिव करता है। तो देखो अब एग्जांपल्स देख लो, जैसे यहाँ पे pH COH है, तो यहाँ पे पहले स्टेप में हमने ऐड कर दिया PHLI THF और सेकेंड स्टेप में वाटर। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो pH है, ये जो pH है pH नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा कार्बोनिल पे, तो क्या बन जाएगा, देखो OH PH H। इसका भी मैकेनिज्म सेम होगा, ये हमारे पास pH था, ये H था, यहाँ पे हमारे पास PHLI था, ये यहाँ से अटैक करेगा pH के थ्रू कार्बोनिल पे, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा, देखो pH O नेगेटिव, यहाँ पे pH ऐड हो गया, यहाँ पे पहले ही हाइड्रोजन था, फिर सेकेंड स्टेप में वाटर से H निकाल के ये क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे हम लिख देते हैं R, कीटोन का एग्जांपल ले लेते हैं, इसके अंदर भी हम ऐड कर देते हैं ब्यूटाइल लिथियम ऐड कर देते हैं पहले स्टेप में, और THF ऐड कर देते हैं सेकेंड स्टेप में, वाटर ऐड कर देते हैं, तो देखो क्या बनेगा, ये ब्यूटाइल अटैक करेगा इसके ऊपर कार्बोनिल पे, तो देखो क्या बन जाएगा, OH और यहाँ पे ब्यूटाइल ग्रुप। ब्यूटाइल ग्रुप चार कार्बन की चेन होती है, मिथ इथ प्रोब्यूट 1 2 3 4, तो इस तरह से भी आप बना सकते हो 1 2 3 4, ये हो गया कंपाउंड। ठीक है ओके, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का भी एग्जांपल ले लेते हैं। देखो सिंपल है, इनमें कोई एग्जांपल लेने की नीड भी नहीं है, आप कुछ भी बना सकते हो। जैसे ये है हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PHMGBr, किसके अंदर जनरली E3 यूज करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो देखो पहले स्टेप में क्या बनेगा, ये जो PHMGBr है ये यहाँ फिनाइल के थ्रू अटैक करेगा कार्बोनिल पे, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, क्या बनेगा हमारे पास, एनायन बनेगा पहले स्टेप में इस तरह से, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन है। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला वाटर से H पॉजिटिव लेके क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। तो इस तरह से रिएक्शन होती है कार्बोनिल कंपाउंड्स की ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स के साथ। ठीक है अब आगे चलते हैं, देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा है साइनाइड की रिएक्शन, कि अगर हमारे पास एल्डिहाइड है, हम इसके अंदर NaCl वाटर ऐड कर देते हैं, तो क्या बनता है, देखो CnOH और H। इसी तरह से अगर हमारे पास कीटोन है, इसके अंदर भी हम ऐड कर देते हैं NaCl वाटर, तो क्या बनता है, हमारे पास बनता है CnOH। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। ठीक है, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, यानी कि जो मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक्चुअल में इस तरह से लिखते हैं, ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल होती है, NaCl वाटर और यहाँ पे भी वाटर, तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। और इसके अंदर हमने पढ़ा कि एल्डिहाइड्स जो है, एल्डिहाइड्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन्स से, ये इनकी रिएक्टिविटी होती है, ये हमने पढ़ा था पहली वीडियो के अंदर। ठीक है अब दूसरी वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा, दूसरे लेक्चर के अंदर कार्बोनिल केमिस्ट्री में, दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा इनकी रिएक्शंस किसके साथ, दूसरे रिएक्शन में हमने पढ़ा BH4 नेगेटिव के साथ। BH4 नेगेटिव क्या, कि सपोज अगर हमारे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, उसके अंदर मुझे ऐसे हाइड्रोजन ऐड करके एनायन बनाना है, यहाँ हाइड्रोजन ऐड करके यहाँ इस तरह से बनाना है, H नेगेटिव का अटैक कराना है,
तो ये हमने पढ़ा कि एच नेगेटिव कभी भी ऐसे अटैक नहीं करता, एच नेगेटिव हमेशा एज ए बेस की तरह काम करता है, और कार्बोनिल कंपाउंड्स के जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं ये एसिडिक होते हैं, इन पे अटैक करता है और ये बना देता है। तो ये रिएक्शन होते हैं, ये वाली रिएक्शन नहीं होती। तो अगर हमें ये करना है तो इसके लिए कोई और मेथड यूज करना पड़ेगा। वो और मेथड कौन सा था? वो और मेथड था BH4-। इसमें हमने क्या पढ़ा कि ये बोन्ड ब्रेक होके हाइड्रोजन के थ्रू अटैक कर देता है यहाँ कार्बोनिल पे, ये बोन्ड ऊपर ट्रांसफर हो जाता है, ये बन जाता है। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा? BH बचेगा इस तरह से, और ये नेगेटिव चार्ज फिर से यहाँ बोरोन पे अटैक कर देगा, हमारे पास क्या बनेगा? ये बनेगा, और इस तरह से फिर से एक हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाएगा। ये हमने पूरा मैकेनिज्म पढ़ा था। इसी के अंदर हमने पढ़ा था कि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो लेस रिएक्टिव होता है लिथियम बोरोहाइड्राइड से, ठीक है? तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा कि ऑर्गेनोमेटलिक जो कंपाउंड होते हैं RMGX या फिर RLI, इनके अंदर जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो कौन होता है? आर नेगेटिव होता है, और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर। यहाँ तक इस वीडियो में हमने किया है। तो आगे हमें चलता हूँ थोड़ा सा, आगे है रिएक्शन विद वाटर, ठीक है? तो देखो, जो हमने रिएक्शंस में पढ़ी थी, मैंने कहा था कि सी एन नेगेटिव के साथ पढ़ेंगे रिएक्शन, उसके बाद हम BH4- के साथ पढ़ेंगे, उसके बाद ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स के साथ पढ़ेंगे। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड कौन से? RMGX और PH या RLI, इनके साथ। फोर्थ में मैंने कहा था कि फोर्थ में हम पढ़ेंगे वाटर के साथ रिएक्शन, फिफ्थ में मैंने कहा था कि हम रिएक्शन पढ़ेंगे इनकी एल्कोहल के साथ, और लास्ट में हम रिएक्शन पढ़ेंगे सोडियम बाइसल्फाइड। तो ये हमें पढ़ना है। तो हमारा देखो ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुके हैं। अब हम आते हैं रिएक्शन विद वाटर। तो इस चैप्टर में तीन ही टॉपिक बचे हैं, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद एल्कोहल और रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड। रिएक्शन विद वाटर पढ़ते हैं। तो देखो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्या कि देखो जो भी इसके अंदर हमने पढ़ा था न्यूक्लियोफाइल्स पे जिन पे नेगेटिव चार्ज है, अब तक उनसे हमने अटैक कराया। हमने CN नेगेटिव से अटैक कराया, BH4- से हमने अटैक कराया, RMGX और RLI के अंदर हमने R- से अटैक कराया। तो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स हमने अटैक कराया है, ये सारे कैसे थे? नेगेटिवली चार्ज थे। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, ठीक है? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, ये सब आप 11th 12th में भी पढ़ते हो, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले कौन से होते हैं। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जिनके पास लोन पेयर होते हैं, ठीक है? लोन पेयर, जैसे RNH2 है, लोन पेयर है, वाटर है, इस पे भी लोन पेयर है, ठीक है? RNH3 है, इसके ऊपर भी क्या है? लोन पेयर है। तो ये जो लोन पेयर कंटेनिंग रिएजेंट होते हैं ये क्या होते हैं? ये भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो अब हम न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल यानी कि वाटर का अटैक पढ़ेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स पे कैसे होता है। सिमिलर रिएक्शन है जो आप पहले पढ़ चुके हो, देखो। अच्छा, इसका एविडेंस बता देता हूँ, जैसे बुक में दिया है वैसे आपको समझाता हूँ कि जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये वाला जो कार्बोनिल कंपाउंड है, जब इसको वाटर के अंदर लिया गया, इन वाटर, ठीक है, तो एक 13C NMR होता है। अगर आपने सुना है तो ठीक है, नहीं तो हम चैप्टर नंबर 13 में इसके बारे में पढ़ेंगे और 18 में भी इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है? थोड़ा सा बता देता हूँ जिनको आइडिया है उसके लिए। C13 NMR में देखा कि जो कार्बन की पीक है वो सिर्फ 83 PPM पे आती है, सिर्फ 83 PPM पे आती है, लेकिन जो कार्बोनिल कार्बन होती है उसकी पीक नॉर्मली किस पे आती है? नॉर्मली आती है 150 से 200 PPM के बीच आती है कार्बोनिल कार्बन की, लेकिन यहाँ पे कितने में आई? यहाँ पे आई है 83 PPM। तो ये कार्बोनिल जो कार्बन था ये गया कहाँ? तो देखो इसके लिए एक्सप्लेनेशन क्या दी गई, ये हमारी एक्सपेक्टेड थी, एक्सपेक्टेड, और ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल, ठीक है? तो इसका रीजन क्या है कि देखो जब ये वाटर के अंदर होता है फॉर्मेल्डिहाइड, तो वाटर के साथ ये रिएक्शन करता है
और ध्यान दो, एक एरो मैंने यहाँ पे बड़ा बनाया है, एक एरो मैंने छोटा बनाया है। ये बड़ा एरो बनाने का मीनिंग है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो बहुत ही ज़्यादा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब ज़्यादा होता है फॉरवर्ड वाला, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड बाई रेट ऑफ बैकवर्ड, सॉरी रेट नहीं, रेट कांस्टेंट है। जब रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड का ज़्यादा होता है बैकवर्ड का कम होता है, तो ऐसे बनाते हैं। अगर रेट कांस्टेंट बैकवर्ड का ज़्यादा हो जाए फॉरवर्ड से, तो इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, जिस तरफ का भी एक कांस्टेंट बड़ा है उस तरफ का बड़ा एरो बनाते हैं। ये बड़ा एरो का मीनिंग है कि रिएक्शन हाईली फेवरेबल है जिस साइड में बड़ा एरो है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हाईली फेवरेबल फेवरेबल है। तो कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाता है, देखो इस तरह का कंपाउंड बन जाता है, इसको बोलते हैं हाइड्रेट। हाइड्रेट बना देता है ये कार्बोनिल कंपाउंड जो फॉर्मेल्डिहाइड है। इस कंपाउंड का नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। ये फॉर्मेल्डिहाइड जो है हाइड्रेट फॉर्मेशन कर देता है वाटर के साथ। ठीक है, और एक और चीज है कि एल्डिहाइड जो होते हैं वो ज्यादा हाइड्रेटेड होते हैं, और हाइड्रेटेड ये पहले भी हम कर चुके हैं मोर, किस वजह से, ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे कम होती है, इस वजह से ये क्या होते हैं, ज़्यादा हाइड्रेटेड होते हैं। ये चीज़ हम पहले भी कर चुके हैं पहले वाले वीडियोज़ के अंदर। ठीक है, जस्ट मैंने बताया है। और फॉर्मेल्डिहाइड तो HCHO कंप्लीटली हाइड्रेटेड रहता है, एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली हाइड्रेटेड रहता है। ठीक है, और इवन पॉलीमराइजेशन भी कई बार हो जाती है। जब ये पॉलीमर बन जाता है इस तरह से, तो इसको पैरा फॉर्मेल्डिहाइड लिखते हैं, पैरा फॉर्मेल्डिहाइड। अगर पैरा फॉर्मेल्डिहाइड की बोतल आपने देखी है, उसका मीनिंग है कि ये फॉर्मेल्डिहाइड का पॉलीमर है, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं है, उसको पैरा फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, अब मैकेनिज्म क्या है इस रिएक्शन का, देखो मैकेनिज्म वही पहले जैसा ही मैकेनिज्म है। यहाँ पे भी क्या होता है, देखो सबसे पहले हमारे पास वाटर है, एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या था, फॉर्मेल्डिहाइड था इस तरह से। तो ये जो वाटर के लोन पेयर है यहाँ अटैक करते हैं कार्बोनिल कार्बन पे, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन के ऊपर। तो देखो क्या बनता है, ये है वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे इसने बॉन्ड बना लिया कार्बन के साथ, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, देखो इस हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, OH, यहाँ पे O नेगेटिव, और यहाँ पे क्या बन गया, H। इस स्टेप के बाद क्या होता है कि जो सॉल्यूशन में वाटर पड़ा है ये ऑक्सीजन उससे ले लेता है हाइड्रोजन इस तरह से, क्या बन जाता है, देखो ये बन जाता है, ये क्या था हमारा, हाइड्रेट था। तो मैकेनिज्म क्या, सिंपल वही जैसा मैकेनिज्म है पहले जैसा ही सारा का सारा। वाटर अटैक करता है कार्बोनिल कंपाउंड पे, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होता है, उसके बाद ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ले लेता वापस हाइड्रोजन से, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। ये सब GOC में हमने किया हुआ है, अगर आपको नहीं पता आप GOC की वीडियोज़ देख सकते हैं जाके। उसके बाद ये वाला ऑक्सीजन वाटर से एच पॉजिटिव ले लेता है और क्या बना देता है, हाइड्रेट बना देता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, पॉइंट है, क्या पॉइंट है, एनी माइनस आई ग्रुप। माइनस आई ग्रुप क्या होते हैं, अगेन GOC की वीडियोस में हमने किया हुआ है, आप वहाँ से कर सकते हो। माइनस आई ग्रुप वो होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, एट अल्फा पोजिशन। अल्फा पोजिशन होती है जो कार्बोनिल कार्बन है, जैसे यहाँ पे ये कार्बन है, यहाँ पे जो कार्बोनिल कार्बन है इस कार्बन से नेक्स्ट को अल्फा कार्बन बोलते हैं, ये भी नेक्स्ट है इसको भी अल्फा बोलेंगे, उससे नेक्स्ट को बीटा कार्बन बोलते हैं। ठीक है, बीटा कार्बन, उससे नेक्स्ट कार्बन को गामा कार्बन बोलते हैं, गामा कार्बन, उससे नेक्स्ट कार्बन को डेल्टा कार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होती है ये चीज़ें। तो अल्फा पोजिशन पर अगर कोई माइनस आई ग्रुप है तो वो क्या करेगा, इनक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन स्टेप है उसके रेट को इंक्रीज कर देगा। इसका एग्जांपल देखो, Cl3C, ये हमारे पास
इसको क्लोरल बोलते हैं, क्लोरल, ये क्लोरल है, ये एल्डिहाइड है एक तरह से, क्लोरल एल्डिहाइड बोलते हैं इसको। जब इसके अंदर वाटर का एडिशन कराते हैं तो सिंपल वही हाइड्रेट बनेगा, हमें पता है, ठीक है। हाइड्रेट का मैकेनिज्म हमने अभी अभी किया है, तो ये बन जाएगा, ठीक है। ये बनने के बाद देखो, इसको बोलते हैं क्लोरल हाइड्रेट, और ये इतना ज़्यादा स्टेबल होता है क्लोरल हाइड्रेट कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका क्रिस्टल आप ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। और इन ये एज ए एनिस्थेटिक के रूप में यूज किया जाता था, ये एज ए एनिस्थेटिक के फॉर्म में भी यूज किया जाता है। एनिस्थेटिक होते हैं जो आपको पेन वगैरह फील नहीं होने देते सर्जरी वगैरह के दौरान, जब डॉक्टर आपकी चीरफाड़ करता है, ठीक है। और इनके कुछ दूसरे नाम भी हैं, जैसे वो बुक में आप देख लेना, फिर भी मैं बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इनको नोकआउट ड्रॉप्स भी बोलते हैं, नोकआउट ड्रॉप्स ऑफ एगाथा, ये बुक में दिया हुआ है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती हैं इन नेम्स के पीछे, ठीक है। और इसी तरह से इसको एक और भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइकी फिन ऑफ प्रोहिबिशन गैंगस्टर, ठीक है। इनके बारे में आप स्टोरीज पढ़ सकते हो, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे होते हैं, जैसे जब पेट ये PH3 बर्न करता है, PH3 जब बर्न करता है तब आग निकलती थी, लोग उसको जंगलों में भूत सोचते थे, ठीक है। ये सब स्टोरीज होती हैं, आप इनको पढ़ सकते हो, इनमें कोई खास इंटरेस्ट मुझे आता नहीं है, तो क्या, तो मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ इनको, कभी कभी पढ़ लेते हैं जब मूड होता है। तो आगे चलते हैं, देखो अब हमें क्या पता है कि वाटर की फॉर्मेशन भी, ये जो वाटर की एडिशन है ये भी इक्विलिब्रियम होता है, यानी कि ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल होती है। मैं पहले आपको सिंपल बता रहा हूँ जाती हुई सीधी रिएक्शन, उसके बाद बताता हूँ कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे भी, इस तरह से हम दिखाएंगे इक्विलिब्रियम को, ठीक है। इक्विलिब्रियम को कंट्रोल कैसे करना, ये सब हम आगे चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे। तो देखो, हमने तीन चीज़ें पढ़ी हैं। पहली चीज़ स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट क्या कहता है कि एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एसीटोन है तो इसका जो के इक्विलिब्रियम है वो होता है ऑलमोस्ट 0.001। ये क्लेडन में डाटा एज इट इज मैं लिख रहा हूँ। अगर यहाँ पे एक CH3 की जगह हाइड्रोजन आ जाता है तो स्टेरिक हिंड्रेंस और भी कम होगी, रेट और भी फास्ट हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन का, इसका इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट हो जाता है 1.06। अगर यहाँ पे दोनों के दोनों हाइड्रोजन हो जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे रेट हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाता है 2280। इसको तो बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। इसको बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड, और इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, इस तरह से। तो देखो, जैसे जैसे हाइड्रोजन आते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, रेट पे इतना ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की बात करें, तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या कहते हैं कि जैसे जैसे माइनस आई ग्रुप बढ़ेंगे अल्फा पोजिशन पर, तो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे के इक्विलिब्रियम मैं लिख देता हूँ, जैसे अगर हमारे पास ये हमने पढ़ा क्लोरल CCl3, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है 2000। इसी तरह से अगर दोनों यहाँ पे हम ये लगा देते हैं CF3, और यहाँ पे भी हम लगा देते हैं CF3, तो जो रेट हो जाता है वो हो जाता है 1.2 × 10^6, यानी कि 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, इतना जो है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाता है। तो देखो, स्टेरिक और ये जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हैं, ये इनका कंबाइंड मोटा मोटा जो आप कह सकते हो, सार कह सकते हो, पाठ का समरी कह सकते हो, वो है कि स्टेरिक इफेक्ट में क्या है कि एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से। कितने ज़्यादा रिएक्टिव, देखो ऑलमोस्ट कितने टाइम्स हो गया, 1000 टाइम्स। यहाँ पे देखो कितने टाइम्स हो गया, 2000 टाइम्स। तो इतना ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, जैसे जैसे हाइड्रोजन आते जाते हैं आर ग्रुप की जगह,
माइनस आई इफेक्ट देखो, यहाँ पे एक माइनस आई ग्रुप था, यानी कि तीन माइनस आई ग्रुप थे, तीन क्लोरीन थे यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे, 2000 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ पे सिक्स माइनस आई वाले फ्लोरीन है, तो देखो कितना 12 लाख जो होता है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। तो ये थे इनके कंबाइंड इफेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ तक हमने किया है, देखो अभी तक हमने क्या किया है, सिंपल मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ जो लोग शुरू शुरू में कार्बोनिल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये वीडियोज़ देख के आप बुक से भी पढ़ सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको जो वीडियोज़ में ना हो, बुक के अंदर सारी चीज़ें मैंने लिखी है। हमने साइनाइड के साथ रिएक्शन पढ़ी कि साइनोहाइड्रिन बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने BH4 नेगेटिव के साथ रिएक्शन पढ़ी कि ये एल्कोहल बना देते हैं, एल्कोहल जिनके अंदर OH ग्रुप होता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी ऑर्गेनोमेटलिक्स के साथ रिएक्शन। ऑर्गेनोमेटलिक्स में कौन कौन से, RLi और RMGX, ये भी क्या बना देते हैं, एल्कोहल बना देते हैं। इसके बाद हमने रिएक्शन पढ़ी वाटर के साथ, ये क्या बना देता है, हाइड्रेट बना देता है। तो यहाँ तक हम कर चुके हैं, अभी हमारा क्या बचता है, एल्कोहल्स के साथ रिएक्शन। एल्कोहल्स के साथ या तो एसीटल बनता है या हेमी एसीटल बनता है, ठीक है। हेमी एसीटल के बारे में हम थोड़ा सा इस चैप्टर में पढ़ेंगे, एसीटल के बारे में चैप्टर नंबर 10 में आएगा। उसके बाद बचेगा एक लास्ट रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है, और लास्ट में कार्बोनिल का ऑर्बिटल डायग्राम, ये हमें पढ़ना रहता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।